हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे, मोदी जी आने वाले 9 अगस्त को इतिहास रचने जा रहे हैं। अपने भारत के इतिहास में 75 साल में ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने अभी तक नहीं किया जो अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वो करने जा रहे हैं। यह एक तरह का इतिहास है भारत के काल में कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है। अब मोदी जी ऐसा क्या कर रहे हैं, अभी अपन जानेंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ये एक ऐसा संगठन है, पूरे विश्व का संगठन है। इसमें सभी देश सदस्य हैं, तकरीबन 193 देश इसके सदस्य हैं और पूरे देश को मिलाकर एक संगठन बनाया गया है। यह संगठन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य इसको बनाने का, शांति, सुरक्षा और मानवीय सहायता पहुंचाना एक देश से दूसरे देश में। अब ये 193 देशों का संगठन है, इनका ये मेन मुख्य उद्देश्य है, किसी देश में अगर संकट आ गया है तो उस देश को संकट से निकालना, किसी देश में अगर महामारी आ गई तो उस देश में उस देश को फंड प्रोवाइड करना, उस देश को सहायता पहुंचाना। तो इस संगठन का मेन मुख्य उद्देश्य है, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं और यूनाइटेड नेशन इसका नाम जाना जाता है। इसमें अभी वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य देश है और जो भी कोई नया देश बनता है वो भी इसका सदस्य जरूर रहता है, क्योंकि इसके बहुत ही इसमें रहने के फायदे भी होते हैं। इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, इसमें फर्स्ट संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद, फोर्थ संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, फिफ्थ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सिक्स संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के आप कह सकते हो 6 प्रमुख विभाग है इसका काम करने के, ये 6 विभाग है, लेकिन सबसे नंबर वन विभाग और सबसे टॉप लेवल का विभाग है सुरक्षा परिषद। यही संगठन के अंदर यही सबसे बड़ी चीज है, सुरक्षा परिषद। यह सुरक्षा परिषद तय करती है किसी भी विचार, किसी भी मसले को तय करने के लिए इसमें मुद्दा रखा जाता है और यही मेन संगठन का प्रमुख अंग माना जाता है। भारत 1 अगस्त 2021 को सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को इस 1 अगस्त से 2021 को सुरक्षा परिषद जो मेन अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। अब इसमें मोदी जी क्या करेंगे, देखिए अभी मैं बताऊंगा आपको। इसमें भारत पूरे अगस्त माह तक इसका अध्यक्ष रहेगा, पूरे अगस्त माह तक भारत इसका अध्यक्ष रहेगा, देखना आप। अब कहते हैं भारत इस अगस्त माह में जब अध्यक्ष बनेगा भारत, तो तब भारत इसमें मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा, शांति प्रक्रिया और आतंकवाद के मुद्दे प्रमुख रूप से उठाएगा। भारत ये 3 मुद्दे प्रमुख रूप से उठाएगा। अब आप कहते हो सर ये सुरक्षा परिषद इसका मुख्य अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो ये सुरक्षा परिषद है क्या और इसमें कितने देश हैं और ये कैसे काम करती है और इसका मेन पावर क्या है? आखिर जो दूसरे विकासशील देश है, भारत हो गया, ब्राजील, जापान, आखिर ये भी सुरक्षा परिषद में आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो इसके बारे में अपन जानेंगे। सुरक्षा परिषद, देखिए सुरक्षा परिषद इसका कार्य, इसका मुख्य रूप से कार्य क्या है मैं बता रहा हूं आपको। किसी देशों के बीच में शांति, सुरक्षा और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना। सुरक्षा परिषद का मुख्य रूप से यह कार्य है कि अगर किसी देश में युद्ध हो रहा है तो वहां देखना, उस युद्ध को रोकना, दो देशों के बीच में शांति कायम करना। अगर दो देश कोई अगर झगड़ा कर रहे हैं या उनका मन मुटाव है, उन दो देशों को मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना है। मतलब इनका मुख्य, इस सुरक्षा परिषद का ही मुख्य रोल है इस संयुक्त राष्ट्र संघ में और यही मेन रोल निभाती है और इसमें मुख्य रूप से यही कार्य होता है कि विश्व में शांति कायम करना और आतंकवाद से निपटना और एक देश दूसरे देश से मैत्री भाव से रहे, इसका मुख्य रूप से यह कार्य है। इसकी पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई
फर्स्ट बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई। इसमें अभी वर्तमान में 15 सदस्य देश है, 15 देश इसमें सदस्य। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 193 देश हैं। देखना 193 देश में से सिर्फ इसके सदस्य कितने हैं अभी वर्तमान में? 15। अब इसका पावर देख लीजिए आप, और उसमें भी 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अब सुरक्षा परिषद का क्या एक विशेष एक चलता है, इसमें 5 तो स्थायी सदस्य देश होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य देश हैं जो हर 2 साल में बदलते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं, उनकी जगह दूसरे देश आते रहते हैं। लेकिन जो 5 जो स्थायी सदस्य देश है ना, वो हमेशा स्थायी रहते हैं, वो नहीं बदलते हैं। और उनके पास सबसे बड़ा पावर होता है वीटो पावर। इसीलिए दूसरे विकासशील देश भी कह रहे हैं कि हम भी स्थायी सदस्य देश बनना चाहते हैं। अब आगे अपन जानेंगे एक सुरक्षा परिषद में पीएम अपने नरेंद्र मोदी जी ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो इतिहास रच रहे हैं, जो आने वाले 75 सालों में 75 ईयर में अभी तक अपने भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो भारत के प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं 9 अगस्त को। देखिए मैं अभी आपको बताता हूं। आगे सुरक्षा परिषद में स्थायी देश कौन कौन इसमें स्थायी देश है? रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका और चीन। ये 5 देश स्थायी सदस्य हैं। आप यू कह सकते हो सारा पावर, पूरे विश्व का पावर इन 5ों देश में है। अब स्थायी देश होना पावर क्या है बता दो। इसमें हर ये 5ों देश है ना, इन 5ों देश के पास एक वीटो पावर है। अब आप कहोगे सर ये वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर ये होता है अगर कोई बात वहां रखी जाती है सुरक्षा परिषद में, और अगर इन 5ों देश में से एक देश वीटो पावर यूज कर लेता है तो वहां सहमति नहीं बनती है और वह कार्य रुक जाता है। कोई अगर बिल पास हो रहा हो किसी देश के खिलाफ या किसी देश के समर्थन में, और किसी भी एक देश ने भी, सिर्फ एक देश ने भी अपना वीटो पावर यूज कर लिया, तो वह प्रस्ताव पास नहीं होगा, वहीं कैंसिल हो जाए। यह ताकत होती है वीटो पावर की, यह चीज होती है। और अधिकतर जो विकसित देश है, विकासशील देश है, वो भी इस स्थायी सदस्यों देशों में आना चाहते हैं लेकिन अभी तक आ नहीं पा रहे हैं। अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं अभी वर्तमान में? एस्टोनिया, भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विसेंट एंड द ग्रेनाइड्स एंड ट्यूनेशिया, वियतनाम। टोटल अभी 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। इनका कार्यकाल 2 साल का होता है और हर 2 साल में रोटेट में ये चेंज होते रहते हैं। इनका कार्यकाल 2 साल का होता है, हर साल में रोटेट होते रहते हैं। भारत कब कब सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना? देखिए आप, भारत अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य रह चुका है। कब कब रहा है देखिए, 1950 से 1951, 1972 से 1973, 1977 से 1978, 1984 से 1985, 1991 से 1992, 2011 से 2012, और अभी वर्तमान में 2021 से 2022 तक भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य रहेगा। अब मेन पॉइंट की बात यह है कि भारत को सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष क्यों बनाया गया है, और मोदी जी 9 अगस्त को क्या करेंगे? मोदी जी 9 अगस्त को सुरक्षा परिषद की मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। भारत इतने सालों में इतनी बार अस्थायी सदस्य रहा है, लेकिन आने ये पुराने जमाने में एक ही बार भारत का कोई भी प्रधानमंत्री सुरक्षा परिषद की जो मीटिंग हुई उसमें अध्यक्षता नहीं की। अब भारत सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष क्यों बनाया गया भारत को? क्यों? क्योंकि इसकी अध्यक्षता हर माह बदलती रहती है। जो सुरक्षा परिषद में हर माह एक एक देश को अध्यक्ष बनाया जाता है, उसको हर माह बदलती है। वो कैसे बदलती है? अंग्रेजी शब्दों के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से बदलती रहती है। भारत से पहले जुलाई में फ्रांस देश था अध्यक्ष सुरक्षा परिषद का, उसके बाद अभी भारत है अगस्त में, उसके बाद सितंबर में आयरलैंड होगा। ये मतलब रोटेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब आप कहोगे भारत स्थायी सदस्य क्यों नहीं है सुरक्षा परिषद का, अस्थायी सदस्य क्यों है? भारत काफी कोशिश कर रहा है और काफी टाइम से भी कोशिश कर रहा है स्थायी सदस्य बनने का, लेकिन भारत का सबसे बड़ा रोड़ा अटका रहा है चीन।
चीन नहीं चाहता है कि भारत स्थायी सदस्य बने, क्योंकि भारत क्योंकि चीन ने हर बार भारत के मामले में टांग अड़ाई और अपना वीटो पावर यूज किया है। अधिकतर सुरक्षा परिषद में चीन ने भारत के खिलाफ वीटो पावर यूज किया है। भारत हमेशा पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करना चाहता था, लेकिन चीन ने वीटो पावर यूज करके चार सदस्य देश स्थायी देश भारत के पक्ष में थे पहले, लेकिन चीन ने वीटो पावर यूज कर दिया और पाकिस्तान का काम हो गया। उससे पहले भी मसूद अजहर जो इतना बड़ा आतंकवादी था उसके खिलाफ भी भारत सुरक्षा परिषद में कार्रवाई करना जा रहा था, लेकिन चीन ने क्या किया, चीन ने वीटो पावर यूज कर लिया और वहां प्रस्ताव खारिज हो गया। तो यह शक्ति होती है वीटो पावर की। इसीलिए भारत भी चाह रहा है कि मैं भी स्थायी सदस्य बनूं सुरक्षा परिषद में, लेकिन अभी चार देश भारत के पक्ष में है और चीन नहीं है। और आपको बताएं इन पांच में से एक भी अगर विपक्ष में होना तो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। भारत के अलावा जापान ब्राजील ये भी स्थायी देश बनने की कोशिश कर रहे हैं सुरक्षा परिषद। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 अगस्त को सुरक्षा परिषद की बैठक हो रही है, उसकी अध्यक्षता करेंगे और ये करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो आपको पसंद आया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे, और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।